हमेशा मानती हूँ कि हमारे दिमाग को अगर हम एक फोकस कर दें, व्यस्त रखें, एक उसको दिशा दे दें, तो हम चमत्कार कर सकते हैं। जैसे मेरे बेटे का 25वां बर्थडे था और अभी मैंने क्विल्टिंग करना सिर्फ एक महीना पहले शुरू किया था, और जब मैंने देखा कि वहाँ पे फैब्रिक मिलता है क्विल्ट शॉप्स में जो आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के अंदर डाल के, और मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम उसको क्विल्ट बना के दें। और क्योंकि मैं इतनी पॉजिटिव और इतनी एक्साइटेड थी और तैयार थी कि मुझे ये करना ही है, और जब मैंने मेरी फैमिली के साथ शेयर किया, मेरे पति के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे दूसरी बिटिया के साथ, तो सब ने मुझे इतना इंकरेज किया और इतना सपोर्ट किया, और हम सब ने इकट्ठे मिल के 8 दिन में एक क्विल्ट तैयार करी चिरायु के लिए, जो उसके लिए सरप्राइज था हम सब की तरफ से। यू मस्ट सी इट एंड द पावर ऑफ माइंड, अगर हम उसको किसी सही उसमें करें तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते। और ये क्विल्ट हमने खुद डिज़ाइन की है। मैंने, हमारा बेटा हमेशा ये कहता है कि मैं कभी इसको यूज़ नहीं करूँगा, ये मेरे लिए बहुत सेंटिमेंटल है, ये मेरे पास हमेशा रहेगा। तो उसकी उसके जो 25 साल की फोटोग्राफ्स थी, मेमोरीज थी, उन सबको हमने इकट्ठा करके मैंने तैयार किया। नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके हाजिर हुई हूँ। आज हम टेबल मैट और एक टेबल रनर बनाएंगे। ये जो ब्लॉक है इसको पिन व्हील कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी फिरकी की तरह है। हमारे सबके घर में सिलाई मशीन है, और उसी तरह से कैंची, मेजरिंग टेप, ये सारी चीज़ें हमेशा हमारे पास हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और एडवांस्ड वे से बनाना चाहते हैं, थोड़ा और प्रिसिशन से और महीनता से, तो कैंची है, और कैंची के बदले हम रोटरी कटर यूज़ करते हैं। उसी तरह से रूलर्स हैं, अगर हम रोटरी कटर और रूलर्स यूज़ करते हैं तो हमें कटिंग मैट भी रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारी कटर उसके ऊपर चलती है। उसके अलावा टू मेक एन इंट्रिकेट ब्लॉक या सुंदर ब्लॉक फिनिश के लिए हमको आयन हर स्टेप पे करना पड़ता है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी टेबल मैट बनाने से। हमने पहला कपड़ा लिया, हमारे चारों कपड़े जो चार अलग अलग कलर्स और डिज़ाइंस के हैं, जोड़े हैं, एक्चुअली नेवी ब्लू के जोड़े हैं और रेड के जोड़े हैं, हम उनको एक साइज का काट लेंगे। हमेशा की तरह हम पहले साइड को ट्रिम कर लेंगे। हमने अच्छे से कपड़ा तह करके नीटली लगा दिया है, और अब हम उसको एकदम सीधी और सरल तरीके से ट्रिम करेंगे। अब हमको जो साइज चाहिए वो है 4 इंच का पट्टा। तो मैंने ये 4 इंच का उस पर मेजर करके ये दोनों लाइंस को मिला के रूलर पे प्रेशर रख के इसको काट लिया। अब हम हर पट्टे के, जैसे ये कटा हुआ है हमारे पास 4 इंच का पट्टा, अब हम इनके स्क्वायर्स बना देंगे। 4 इंच बाय 4 इंच का स्क्वायर बना देंगे। याद रखिएगा, मैं हमेशा दोहराती हूँ कि सेल्वेज जो बॉर्डर बोलते हैं, जो किनारा बोलते हैं कपड़े का, उसको ज़रूर ट्रिम कर लीजिएगा। काट लिया, और अब जैसे मैंने आपको कहा 4 इंच का जो मेरे को स्क्वायर चाहिए, 1, 2, 3 और 4, तो मैं उसको उस हिसाब से काट लूँगी। ये अलग अलग मैंने कलर्स के स्क्वायर्स तैयार कर लिए थे, क्योंकि ये जोड़े हैं तो मैंने इनको साथ में तैयार कर दिया है। ये ब्लू के साथ है इस तरह से। अब हम इसका जो ये ट्रायंगल्स हैं, ये जो दो त्रिकोण हैं, इनको एक साथ बनाएंगे। आप देखेंगे कि मैंने हर कपड़े के कॉर्नर्स पे मैंने एक लाइन बनाई है पेंसिल से एक तरफ। अगर ये वाले में मैंने लिया है क्योंकि ये जोड़ी है, आप किसी एक पे कर लीजिए, दोनों पे करने की ज़रूरत नहीं है।
अब मैंने ये भी डिसाइड किया क्योंकि ये स्ट्राइप्स हैं कि ध्यान रखूंगी कि मैं हर बार जब मैच करूंगी तो मैं स्ट्राइप्स वर्टिकल रखूंगी, सीधी हॉरिजॉन्टल नहीं रखूंगी, ताकि मेरा पैटर्न उसी तरह से चले। तो अब मैंने ये रखा और ये ऐसे मैंने इसको पिन अप कर दिया सेंटर में, ये लाइन के बिल्कुल मैं सेंटर में चल रही हूँ इस तरह से। जैसे एक रेड लिया, फिर मैंने वही वर्टिकल लेके मैंने फिर से उसी तरह से ये लिया। अब देखिए मैंने ऐसे उसको पिन करती जा रही हूँ और अब हम इसको सिल देंगे। सिलाई जो हम करेंगे हम इस लाइन के ऊपर नहीं करेंगे, हम इस लाइन के क्वार्टर इंच लेफ्ट में और क्वार्टर इंच राइट में, यानी हम दो लाइनें बनाएंगे। आप चाहो तो उसको भी ड्रॉ कर लो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। एक बार आप क्वार्टर इंच का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो बस आप ये लाइन के इस तरफ एक सिलाई कर दीजिए और एक लाइन के इस तरफ, लाइन से क्वार्टर इंच पे आप चलेंगे। और इसी तरह से मैं अपने सारे जो हैं, एक उसको निकालूंगी नहीं, पहले मैं सब एक साथ एक साइड को सिल लूंगी। इसको ऐसे घुमा लीजिए और फिर वही क्वार्टर इंच मत भूलिएगा। अब ये देखिए दोनों तरफ मेरी सिलाई है और बीच में मैंने जो लाइन ड्रॉ करी थी, और उसी पे आप एक कट दे दीजिए, लॉक द रोटरी कटर। अब ये देखिए ये आपका रेडी हो गया। अब जैसे मैंने कहा आयनिंग इज इम्पॉर्टेंट, तो अब हम इसको आयन करके देखेंगे। मैं खोल के कर रही हूँ क्योंकि फिर ये जोड़ने में थोड़े इजी हो जाते हैं। तो ये मैंने बैक में कर लिया, अब मैं आगे भी इसको पुश कर लूँगी ताकि कहीं पे कोई क्रीज ना हो। ये देखेंगे इसको, ये जो जब हम प्रेस करते हैं और जब हम कपड़ा खोलते हैं तो ये ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, जिसको कान कह लो आप, आपकी कोई बिल्ली या डॉग के कान लगते हैं कुत्ते के, तो इसलिए इसका नाम ही क्विल्टिंग कम्युनिटी में जो क्विल्टर्स हैं वो इसको डॉग ईयर्स कहते हैं, और वो हमेशा कहेंगे कि ट्रिम द डॉग ईयर्स। तो इसको बस आपने सिर्फ एक कैंची से जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको ट्रिम अप कर देना है। ये चार होने चाहिए एक जैसे, टू मेक वन ब्लॉक। तो ये पहला, फिर ये, अब इसको कैसे अरेंज करना है वो आप मेरा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये देखिए ये हमारी फिरकी तैयार है। ये ब्लू में है, उसी तरह से हम रेड में कर सकते हैं। हमारे जितने फैब्रिक्स हैं इनमें हमने बहुत ध्यान रखा है कि कोई भी वैसे केमिकल्स ना हो जो हार्मफुल हो, सो दे आर ऑल एज़ो फ्री डाइड प्रोडक्शंस फैब्रिक्स की, ताकि कभी बच्चा कहीं मैट से भी कुछ गिरा हुआ उठा ले तो देयर इज़ नो रिस्क टू इट। जब आप इसको सिलेंगे तो आप ये दोनों जैसे अगर उठाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये कोने से कोना मिले थोड़ा सा, ताकि अपनी जगह पे रहे। हम इसको पिन अप कर देते हैं। याद रखिएगा जहां जिस साइड पे पिन है उसी साइड से आप सिलाई करेंगे, कहीं गलत तरफ से मत करिएगा, और सुई के पास पहुंचने से पहले पिन निकाल दीजिएगा। ये देखिए अब मैंने दो साइड्स बना लिए तो ये फिरकी तैयार हो गई है। फिर हम इसको प्रेस करेंगे जैसे पहले किया है। अब ये दो जो रेडी हैं, देखिए ये पिन भी, मैं इसको, और ये याद रखिएगा जो मैंने आपसे कहा है कि ये जो इंटरसेक्शन है, ये जहाँ पे ये मिलते हैं, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका ध्यान रखिएगा ताकि सेंटर हमारा बराबर आए। और ये हमारा ब्लॉक तैयार, और फिर इसको आप प्रेस करेंगे। अब जैसे हमने इसको जोड़ा है इसी तरह से हम ब्लॉक्स को जोड़ेंगे। ये एक आइडिया है, मैंने इस आइडिया से इस बार टेबल मैट्स और टेबल रनर बनाया है, लेकिन यही आइडिया से आप बेड कवर्स बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, कोस्टर्स बना सकते हैं, गरम खाना रखने के लिए बना सकते हैं, पूजा थाली कवर, मतलब जो आपका मन है, ये आपकी चीज़ है। सिंपली ब्यूटीफुल फैब्रिक आपको बस हेल्प करता है कि आपके पास पूरी रेंज आ जाए और आप जो चाहें उसे बना लीजिए।
अब हमने इसको मैट को फिनिश कर लिया है और अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आपको मैं बताती हूँ कि ये जो पार्ट है, ये जो हमने इसको जोड़ा है, हम लोग इंडिया में इसको पैचवर्क बोलते हैं, वेस्ट में इसको पीसिंग बोलते हैं। अब हम इसको क्विल्ट करेंगे। यहाँ पे कई टेलरिंग शॉप्स जहाँ पे आप ये लेने जाएंगे उसको ये पैडिंग भी बुलाते हैं। तो ये फ्यूजिबल है, फ्यूजिबल मतलब इस पर आप प्रेस कर सकते हैं और जैसे आप प्रेस करेंगे ये चिपक जाएगा, तो फिर आपको पिनिंग में इतनी दिक्कत नहीं होगी, आप उसको फटाफट कर सकते हैं। ये मैंने नीचे के लिए कपड़ा लिया है बैकिंग के लिए। तो ये तीन लेयर्स से बनता है फ्यूजिबल क्विल्ट हमारा। ये लोएस्ट लेवल है, इसके ऊपर हम इसको फ्यूजिबल को लगा देंगे ऐसे, और आप देखेंगे कि हम हमेशा हमारा फ्यूजिबल थोड़ा बड़ा काटते हैं, थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं कि क्योंकि ये खिसकता है फिर भी खिसकेगा, तो इसलिए हम इसको पहले इसके साथ चिपका देंगे। अगर ये फ्यूजिबल है तो हम इसको स्टिक करेंगे, और अगर आपको रेगुलर बैटिंग मिली है जिसको पैडिंग भी बुलाते हैं तो आप उसको बस पिन अप कर लीजिएगा। पिन करने में ध्यान रखिएगा कि ये बबल्स निकल जाएं। जल्दी से इसको आयन कर देती हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा सा मूव इस तरह से कर रही हूँ ताकि बबल्स अगर कोई हैं दोनों लेयर्स के बीच में तो वो बबल्स निकल जाएं। अब आप देखिए ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब मैंने ये अपनी लास्ट लेयर इस पे लगाई, अब हम इसको पिन अप कर लेंगे। पिन अप आप हर जगह ध्यान से करिएगा, कंजूसी मत करिएगा, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये फिर कपड़ा खिसकता नहीं है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो हम ये जो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, हम इसको स्टिच करेंगे, इन सबको मिलाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से। आपको ये खास ध्यान रखना होगा कि ये कपड़े को आप जब मशीन में डालेंगे तो थोड़ा पुश करते जाइएगा, खास तौर पे जहाँ पे ये जॉइंट्स हैं। और ये हमारी फिनिश मैट मैंने एक पहले बना रखी है, वो रेडी हो गई। इसमें हमने सब तरह से स्टिच, तो ये देखिए पीछे के स्क्वायर्स आ गए। अब आपको मैंने जैसे कहा था कि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था बैटिंग और बैक लेयर, अब हम इसको ट्रिम कर देंगे। अब हम ये कपड़ा जो है बाइंडिंग के लिए यूज करेंगे, पाइपिंग के लिए यूज करेंगे। बाकी जो मेजरमेंट्स हैं उससे ये थोड़ा फर्क है, हम इसको 3 इंच की चौड़ाई से काटेंगे, 3 इंचेस। आप देखिए आपके पास कितने सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो फाइनली जब खत्म होते हैं, जो घिसते हैं वो पाइपिंग से घिसते हैं, क्योंकि वहीं पे वो ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है और वही फटने लगता है या उधर खुलने लगता है, एक्चुअली फट जाता है, ख़त्म हो जाता है वो पाइपिंग से। तो इसलिए हम जो पाइपिंग लगाएंगे हम डबल कपड़े की लगाएंगे, इसको दुगना कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने चौड़ा काटा है। एक आप ऐसे रखिए और दूसरा जो सेम कट है बहुत ध्यान से मिला के, कहीं भी नहीं, एकदम प्रिसाइसली मिला के। देखिए हमने इसको मिला लिया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये कोना बिल्कुल कोने से मिले, ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट मिला के हम एक डायगोनल लाइन बनाएंगे ऐसे। अब मैं इसको इस प्रकार से जोड़ लूंगी। ये हमारा बायस जो है वो बिल्कुल प्रिसाइस बन गया है, इसको हमने ऐसे खोल के प्रेस कर दिया है। और इसको आप आधा करके इस तरह से फिर से प्रेस कर दीजिए। ये कपड़ा मैंने प्रेस किया है, उसको मैंने राइट एंगल पे फोल्ड किया है, एक ट्रायंगल लिया है और फिर इसको मिलाया है। अब ये किनारे से मत शुरू करिएगा, आप इसको थोड़ा नीचे से शुरू करिएगा, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से शुरू करिएगा। और मैं पिन लगाऊंगी। ये मेरे जो तीनों लेयर्स हैं अब इनको मैं इकट्ठा असेंबल कर रही हूँ और मैं इनको पाइपिंग लगा रही हूँ, बाइंडिंग दे रही हूँ।
अब हम इसको थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे सिलाई। ये हम बहुत चले जो स्टिचिंग करते हैं वो भी हम इस चीज में बहुत घबराते हैं कि टर्न कैसे करें, इसलिए हम उसको काट के जोड़ते हैं, पर एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है वो। लेकिन ऑल आपको करना है इस ये देखिए मैंने ये यहाँ तक सिला है। अब मैं इसको एक राइट एंगल पे लेके आई हूँ मेरी ये पाइपिंग को, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसको मैं ऐसे टर्न ओवर कर ऐसे करके इस लाइन को ऐसे पिन अप कर लेंगे। हमने एक साइड इसको पिन अप कर दिया है, तो ऐसे आपने चारों साइड्स करने हैं। अब हम एकदम अपने लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, इसको फिनिश करने के स्टेज पे, और अब हम इसको थोड़ी सी ही सिलाई करके उठा देंगे। हमने अपना कॉर्नर बैक करा है, बस वहां तक हम गए हैं। ये जो आखिरी सिरा है इसको हम पहले फोल्ड करेंगे। अब देखिए मैं इसको ऑलमोस्ट आधे से पौना इंच फोल्ड कर रही हूँ, हाथ से ही प्रेस किया, दबाया। ये इसको खोल के, ये जो पहले सिला था और जो गैप छोड़ा था उसको खोल के उसके अंदर हम उसको डाल देंगे। और इसको पिन करना मत भूलिएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा थिक हो गया है। और अब हम इसको ऐसे घुमा के, अब देखिए आप ये जो कोने हमने वो करे थे ट्रायंगल, हम उसको मोड़ेंगे तो वो कैसे, आप देख रहे हैं ये लाइन आ गई, ये हम चाह रहे हैं। तो अब हम बस उस कोने को मोड़ के हम पूरे अपना जो ये है टेबल मैट, इसको देखिए कैसे मैं ध्यान से ये क्वार्टर इंच अलाउंस में हमने इसको ऊपर ओवरलैप करा है, और अब हम ये हेमिंग करके चारों तरफ इसको फिनिश कर। और हमारा आखिरी स्टेप भूलना नहीं, प्रेस करना है, आयन करना है। ये हमने ये लाइन ऑफ फैब्रिक्स चुना है, लेकिन आप बहुत सारे अलग ऑप्शन हैं हमारे पास भी, बहुत सारे हैं। हम ये चीज़ हमारे गामती लाइन में भी कर सकते हैं। आप इसको चारों तरफ से ऐसे कर लेंगे तो ये आपकी मैट